वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हियर आई एम विद योर थर्ड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर, दैट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड द हार्डवेयर. आप अपने प्रीवियस सेशन में भी इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर. द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, द सीपीयू बॉक्स एंड ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स आर हार्डवेयर. लाइक मॉनिटर स्क्रीन होती है आपकी, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू बॉक्स है, इन सब कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सभी क्या है, हार्डवेयर. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच मेक द कंप्यूटर वर्क बट कैन नॉट बी टच्ड इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. अब देखिए, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, तो आप उस प्रोसेसिंग को या उन इंस्ट्रक्शंस को टच नहीं कर सकते, बस आप उनको देख सकते हैं. जो आपको आउटपुट मिलता है उसको आप देख सकते हैं, तो ये क्या कहते हैं, आप कहलाता है सॉफ्टवेयर. वी कैन कंपेयर द हार्डवेयर टू अवर हेड एंड द सॉफ्टवेयर टू द नॉलेज वी हैव गैदर्ड इन अवर ब्रेन. वो कहते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं वो, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हेड है, तो आप अपने हेड को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपके अंदर, हेड के अंदर आपके ब्रेन में जो नॉलेज है उसको क्या आप देख सकते हैं, नॉलेज को नहीं देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है. तो द हेड इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड कैन बी सीन और टच. जो हेड है वो हमारी बॉडी का फिजिकल पार्ट है, उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, बट द नॉलेज कैन नॉट बी टच्ड. लेकिन हमारे हेड में यानी कि हमारे ब्रेन में जो नॉलेज है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं. देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन अ कंप्यूटर. वो कह रहे हैं कि बेसिकली टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लोडेड किए जाते हैं कंप्यूटर में. वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो दो टू टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लोडेड होते हैं कंप्यूटर में. एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता. इट अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक और राइट द कंप्यूटर्स लैंग्वेज. वो कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, अगर आप टू पर्सन्स हैं और आपको आपस में बात करनी है, आपको अपनी बात सामने वाले को समझानी है और सामने वाले की बात आपने समझनी है, तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होगी. तो वो मीडियम होता है लैंग्वेज. आप जो बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश, आप किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ. इसी तरीके से यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ऑफ वंस एंड ज़ीरो. और ये जो चलती है वन एंड ज़ीरो के बिहाफ पे चलती है, और इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज. इट्स मैनेज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, run and also manage all the software, all of its software and hardware. और साथ ही ये जितने भी इसके सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के या हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करता है. नेक्स्ट, वॉट इज बूटिंग. अब बूटिंग क्या होती है, एवरी टाइम वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर सेवरल प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड. वो कह रहे हैं कि एवरी टाइम यानी कि हर समय में जितनी बार भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, स्विच ऑन, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट रन करना शुरू कर देते हैं. दीज प्रोग्राम्स चेक द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. और ये प्रोग्राम क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम के, एंड गेट द कंप्यूटर रेडी फॉर वर्क. और कंप्यूटर को रेडी कर रहे होते हैं वर्क करने के लिए. द इंटरनल प्रोसेस परफॉर्म एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड द बूटिंग. वो कह रहे हैं कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने से पहले जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है
जो कि कंप्यूटर को रेडी करता है ताकि वो स्टार्ट होके वर्क कर सके, उस प्रोसेसिंग को हम बूटिंग कहते हैं। एट द एंड ऑफ द बूटिंग वी विल सी द डेस्कटॉप डिस्प्ले ऑन आर मॉनिटर स्क्रीन। और जब बूटिंग की प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाती है तो उसके बाद हमें डेस्कटॉप दिखाई देती है अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर या मॉनिटर स्क्रीन पर। व्हाइल बूटिंग द कंप्यूटर डज सेवरल टास्क एज गिवन बिलो। अब देखिए बूटिंग के समय पर कौन से ऐसे सेवरल टास्क होते हैं जिनको कंप्यूटर परफॉर्म करता है। नंबर वन, इट रन टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। वो एक टेस्ट लेता है अंदर कंप्यूटर का जिससे कि वो श्योर हो जाए कि सारा जो वर्क है कंप्यूटर का वो करेक्टली मतलब करेक्ट फॉर्म में हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड, इट चेक्स फॉर द न्यू हार्डवेयर। वो न्यू हार्डवेयर को चेक करता है। थर्ड वन, इट दैन स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वो स्टार्ट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है ऑन द कंप्यूटर आफ्टर बींग स्टार्टेड। आपके कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर। बहुत अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप अपने कंप्यूटर पर रन कराते हैं एट द सेम टाइम। सेम टाइम में आपने देखा होगा आप पेंट कर रहे हैं, आपने विंडो मिनिमाइज कर ली, आपने साथ में वर्ड ओपन कर लिया, आप साथ में गाने भी सुन रहे होते हैं। ऑल दीज प्रोग्राम्स नीड टू एक्सेस द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप साथ में रन करते हैं इनको नीड होती है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सेस करने की या मेमोरी एंड स्टोरेज, उसकी मेमोरी और उसकी स्टोरेज को एक्सेस करने की। द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ दीज टू मेक श्योर दैट ईच प्रोग्राम गेट्स व्हाट इट्स नीड्स। वो कह रहे हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सब चीज़ों के साथ में कोऑर्डिनेट करता है ये श्योर करने के लिए कि ये जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं हमें चाहिए वो मतलब यूजर की नीड को फुलफिल कर पाए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं होगा द सॉफ्टवेयर वुड नॉट इवन बी एबल टू टॉक। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस लायक नहीं होगा कि वो आपके जो हार्डवेयर है उससे कनेक्ट कर पाए। एबल टू टॉक टू द हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यूजलेस हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्लियर द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिवाइस डिपेंडेंट। अ डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज वन दैट रन्स ओनली ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। वो कह रहे हैं कि पुराने टाइम पे जो आपका कंप्यूटर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डिवाइस डिपेंडेंट था, और डिवाइस डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है जो एक स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर पर ही रन कर पाए, सब पर नहीं। नाउ लेकिन अब आजकल के टाइम पे द डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज कम दैट कैन बी रन ऑन मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स। अब देखते पहले जानते हैं एमएस डॉस के बारे में। The MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System. MS-DOS की फुल फॉर्म है Microsoft Disk Operating System. It is also called the Primary Operating System. इसको हम Primary Operating System भी कहते हैं। MS-DOS is a non-graphical command line operating system derived from 86-DOS. MS-DOS allows the user to navigate, open and otherwise manipulate files on their computer from the command line instead of GUI like Windows. वो कह रहे कि MS-DOS जो है एक non-graphical command है। non-graphical command जैसे आप normal desktop on करते हैं तो आपको icons दिखते हैं, दिखते हैं इधर left side में। तो ये जो है MS-DOS ये non-graphical command है, यानी कि कोई graphics, कोई pictures, icons आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देते। ये commands के ऊपर work करता है। जैसे जैसे आप command देते जाएंगे वैसे वैसे ये वर्क करता जाएगा। देखिए साइड में एमएस डॉस की जो है विंडो ओपन है, तो यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हम सिंपल यहाँ पे कमांड्स देते हैं और उसके बिहाफ पर ही आपको आउटपुट मिलती है।
Next, Microsoft Windows. The Windows operating system has been created by Microsoft in the mid-1980s by Mr. Bill Gates' company. वो कह रहे हैं जो Windows operating system है ये create किया है किसने? Microsoft ने. कब? 1980s में. और किसने किया है? Mr. Bill Gates' company ने. Over the years, इतने सालों में there have been many different versions of Windows. इन्होंने Windows के बहुत नए नए version जो है वो develop किए हैं. But the most popular ones are Windows 7. लेकिन जो version सबसे ज़्यादा हमने use किया है वो है आपका Windows 7. Released in 2009. और ये कब released हुआ था? 2009 में. Windows Vista आया इसके बाद में. ये आपका release हुआ 2007 में. विंडोज विस्टा चलता था इससे पहले. विंडोज 8 रिलीज हुआ आपका 2012 में. विंडोज कम प्रीलोडेड ऑन मोस्ट ऑफ द न्यू पीसीज. जो न्यू पीसीज आपके थे उसमें मोस्टली ये प्रीलोडेड होके आता था विच हेल्प्स टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. और जिसने जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में. विंडोज 10 इज द मोस्ट लेटेस्ट विंडोज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. Released in 2015. अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ करते हैं विंडोज़ का वो है आपका विंडोज 10. और इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया है और इसको रिलीज़ किया गया था 2015 में. सम वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आर गिविन ग्लो. माइक्रोसॉफ्ट के कुछ वर्जन्स जो हैं वो नीचे आपको शो किए गए हैं. देखिए विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10 अभी जो हमारा लेटेस्ट में है. नेक्स्ट लाइनक्स. Linux is a multitasking. ये एक multitasking है. Multitasking यानी कि एक साथ बहुत सारे टास्क आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं. Multi-user, कई सारे यूज़र जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक multitasking, multi-user ऑपरेटिंग सिस्टम है. That is known for its stability. और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये किस लिए जाना जाता है? अपनी स्टेबिलिटी के लिए. Linux is an Unix based ऑपरेटिंग सिस्टम. ये Linux जो है ये Unix based ऑपरेटिंग सिस्टम है. That is available for free on the World Wide Web. और complete World Wide Web के लिए ये freely available है. There are many different versions of Linux. Linux के भी बहुत सारे versions हमें देखने के लिए मिलते हैं. That we can choose from. हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग choose कर सकते हैं. Each version has a different look and feel. हर version का look भी different है और feel भी. The most popular one. जो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड हैं? इट्स Ubuntu, दिस वन, ओके. बाकी फेडोरा है, मिंट है. रिमेंबर एंड्रॉयड फोन्स हैव लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो एंड्रॉयड फोन्स आप यूज़ करते हैं घर पे वो जो है हमारे लिनक्स बेस्ड होते हैं. द फर्स्ट फोन टू रन ऑन एंड्रॉयड OS was HTC Dream and was released on 22 October 2008. जो फर्स्ट फोन जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलीज हुआ था वो हुआ था आपका 22 October 2008 में. और नाम क्या था इसका? HTC Dream. Next, application software. अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. Application software is a subclass of computer software that employs the capabilities of a computer directly and thoroughly to a task that the user wishes to perform. Application software क्या एक subclass है computer software का जिसे employees जो होते हैं अपनी capabilities के according इसको directly जो है वो use करते हैं इसके task को अपने wishes को perform करने के लिए. Applications for mobile devices are called mobile application. जो application हम अपने mobile phones पे use करते हैं उनको हम बोलते हैं mobile applications. When we open an application, जब हम किसी application को open करते हैं it run inside the operating system until we close. तो वो जो हमारा अंदर operating system है inside अंदर की side में वहीं पर run करता है जब तक हम उसको close नहीं कर देते. Most of the times, ज़्यादातर समय we will have to open more than one application at the same time and this is known as multitasking. हम एक साथ बहुत सारी applications पे काम करते हैं. आपने mobile phones में भी देखा होगा आप कभी WhatsApp on करते हैं फिर आप उसको minimize करके आपका gallery open कर देते हैं, games open कर देते हैं, तो एक साथ आप बहुत सारे काम कर लेते हैं.
तो इसलिए हम इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप्स हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप्स के हैं। फर्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड अप्लाई अ बेसिक डिजाइन ऑन अ पेज। वर्ड प्रोसेसिंग को हम यूज़ करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिक पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अपना जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेसिक डिज़ाइन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टूल्स, ये हमें क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कराता है, फॉर कॉपिंग, हम इसमें कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, और बहुत सारे फॉर्मेटिंग हमें गिवन होते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड, कुछ फंक्शंस जो है यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। फर्स्ट वन, क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड वन, कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज फॉन्ट। फॉर्मेटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं उसको, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टाइप बोल्डिंग, बोल्ड होता है थोड़ा जब आप मोट, जैसे ये गेम्स लिखा हुआ है तो ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अंडरलाइन, आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसी चीज़ को। इटैलिसाइजिंग, यानी कि आप उसको थोड़ा सा टेढ़े में जैसे लिखा होता है तो उसको बोलते हैं इटैलिक। नेक्स्ट, करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। कई बार आपसे स्पेलिंग वगैरह जो होती है वो गलत हो जाती है, तो वो प्रीडिफाइंड आपको साइड में आ जाता है, बता देता है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है उसको शो कर देता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स कैन बी प्लेड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। आप सभी जानते हैं, स्पेशली बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, कि हम बहुत तरह के गेम्स जो हैं कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। सम ऑफ द गेम्स आर प्री इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। कुछ ऐसे गेम होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, पहले से आते हैं, वाइल अदर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। और उससे अलावा आप अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप डाउनलोड भी कर लेते हैं अपने गेम्स को इंटरनेट के हेल्प से, लाइक पर्पल प्लेस, फ्री सेल, माइंड स्वीपर, मैनजोंग टाइटंस एंड सो ऑन, देर आर लॉट्स ऑफ गेम वी हैव। नेक्स्ट वन इज मीडिया प्लेयर। इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू सॉन्ग्स और वॉच मूवीज वी नीड टू यूज अ मीडिया प्लेयर। अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते करते गाने सुनने हैं या वैसे भी गाने सुनने हैं या मूवी देखनी है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, मीडिया प्लेयर की। विंडो मीडिया प्लेयर एंड iTunes आर पॉपुलर मीडिया प्लेयर्स। तो जो पॉपुलर मीडिया प्लेयर्स हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, विंडो मीडिया प्लेयर या फिर iTunes, जिनको हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस फॉर्म इज iTunes एंड दिस वन इज विंडो मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर्स। A web browser is the tool that we use to access the World Wide Web. Web browser क्या है, एक tool है आपके पास जिससे आप World Wide Web को access कर सकते हैं। Most computers come with a pre-installed web browser, but we can also download it at different one. बहुत सारे browsers जो होते हैं वो pre-installed भी होते हैं और अपने need के according आप इनको download भी कर देते हैं। Browser जिससे आप search करते हैं, जैसे Google है आपका सबसे कॉमन। नेक्स्ट वन, गैजेट। गैजेट्स आर प्लेस्ड ऑन द विंडोज 7 डेस्कटॉप। जो विंडोज 7 की डेस्कटॉप है उस पर गैजेट्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज विजेट्स, हम इनको विजेट्स भी बोलते हैं। दे आर सिंपल एप्लीकेशन, ये सिंपल एप्लीकेशन होती हैं दैट वी कैन प्लेस ऑन डेस्कटॉप, जिसको हम डेस्कटॉप पर शो करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स कौन कौन से हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं, कैलेंडर्स, क्लॉक, पिक्चर, पजल, फी, हेडलाइंस एंड मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी अपने डेस्कटॉप पर डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक कैलेंडर आप लगा सकते हैं तो आपको इजी रहता है थोड़ा, या क्लॉक आप कर सकते हैं, पजल है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज ऑलरेडी डन करके आपके पास सेंड की जा चुकी है, इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए,
कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू.